क्या हाल चाल है भाई साहब। चलिए ठंडी बहुत है और शुरू करते हैं हम लोग। आज साल का आखिरी दिन है 2023 का और आप सबको पूरे केसीएल परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और कल आपका हैप्पी न्यू ईयर 2024 शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है हर बार वीडियो में कि हम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ना बाकी है। एट्थ सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये हम पढ़ रहे हैं। ये एट्थ सेमेस्टर का इलेक्टिव सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे और यूनिट नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर 3। यूनिट नंबर 3-2 है जिसमें हम लोग बात करने वाले थे डीएनए आरएनए और बाकी चीजों के। लेक्चर नंबर 1 में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया था, लेक्चर नंबर 2 में हमने आरएनए पढ़ लिया था, लेक्चर नंबर 3 में हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया था। आज इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक बात बताई गई थी कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। तो आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है ये जानना बहुत ही जरूरी टॉपिक है और ये ओवरऑल ट्रांसलेशन प्रोसेस। मैं आपको पहले शॉर्ट में समझा देता हूं और फिर चलेंगे अपने लॉन्ग नोट्स की तरफ, अपने डिटेल नोट्स की तरफ जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए बेसिकली क्या होता है, क्या क्या आपको चीजें चाहिए इसको समझ लीजिए। जब भी आपको बनाना है प्रोटीन तो आपको पहली चीज तो चाहिए आरएनए, और आरएनए भी 3 प्रकार के चाहिए। एक आपको चाहिए टीआरएनए, एक आपको चाहिए एमआरएनए और एक आपको चाहिए आरआरएनए। ठीक है, तीनों प्रकार के आरएनए चाहिए। टी मतलब ट्रांसफर आरएनए, एम मतलब मैसेंजर आरएनए और आर मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये चाहिए आपको आरएनए चाहिए। उसके बाद आपको नाइट्रोजनस बेस का कोडान चाहिए। अब आप कहेंगे भैया ये नाइट्रोजनस बेस का कोडान क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और यूरेसिल। यहां पे साइटोसिन नहीं रहेगा। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और यूरेसिल, क्योंकि साइटोसिन डीएनए में होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इस 4 में 3 का सेट बना लो, जैसे मैंने कहा ए ए टी या ए ए ए या यू 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 या जी सी, सॉरी ठीक है आगे बात कर लेते हैं इसी में से, जी जी यू या जी टी यू, मतलब कोई भी आप इन 3 में से कोई भी 3 लेटर लेकर चारों में से 3-3 का जो सेट बनाते हैं इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडान। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडान। और ट्रिपलेट कोडान ही वो रॉ मटेरियल है जिससे प्रोटीन बनते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन ही वो रॉ मटेरियल है जिससे प्रोटीन बनते हैं, इसको समझिए। ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है, ये ट्रिपलेट कोडॉन मिल करके आपस में अमीनो एसिड बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या 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 चाहिए आपको, आरएनए चाहिए, नाइट्रोजनस बेस में ट्रिपलेट कोडॉन और एक एक ट्रिपलेट कोडॉन मिलकर अमीनो एसिड बनाते हैं और फिर यही अमीनो एसिड आपस में मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। पूरे प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में समझिए, फिर आगे बढ़ूंगा डिटेल में। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा इन सबको बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए जिस फैक्ट्री को हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं ना मेरे लाल, तो ये राइबोसोम चाहिए जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इतनी चीजें हमें चाहिए। अच्छा, कैसे प्रोसेस होता है इसको भी समझ लीजिए शॉर्ट तरीके से, फिर हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझिए इसको बेटा कि आपके पास एक राइबोसोम होता है। ठीक है, इसको पहले शॉर्ट में समझ लीजिए फिर हम लॉन्ग की तरफ चलेंगे। ठीक है, एक राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम में ये वाला है हमारा 60S और ये वाला है हमारा 40S, ये 80S टाइप का राइबोसोम है। ठीक है, इसमें 2 साइट होता है, एक साइट होता है इसको बोलते हैं ए साइट और एक होता है पी साइट। ठीक है, अब ए साइट क्या करता है, टीआरएनए की सहायता से, या हम कह सकते हैं कि टीआरएनए और एमआरएनए की सहायता से 3 सेट ऑफ कोडॉन्स आते हैं। मैंने कहा ना ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन आता है, ये ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता है
और ये आगे बढ़ के इस कारखाने के अंदर जाके मिक्स होता है। ये जो ट्रिपलेट कोडान था वो यहां पे आया राइबोसोम के अंदर। लाता कौन है? लाता है मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए एमआरएनए। ये राइबोसोम के अंदर ये ट्रिपलेट कोडान की फैक्ट्री में मिक्स होते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो एक प्रोटीन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। यानी कि ये जो ट्रिपलेट कोडान था ये यहां से जब राइबोसोम से बाहर निकलता है तो ये प्रोटीन के फॉर्म में निकलता है। ये ओवरऑल स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस का। फिर से समझ लो शॉर्ट फॉर्म में, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा इतना ही बनाकर एक्सप्लेन कर देना कि टीआरएनए एमआरएनए की सहायता से जो ट्रिपलेट कोडान है वो आते हैं आरए राइबोसोम के अंदर, ए साइड से घुसते हैं, पी साइड से निकलते हैं, एक्सेप्टर साइड, प्रमोटर साइड, और यहां पे इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है और उस प्रोसेसिंग के तहत राइबोसोम जो है वो जो राइबोसोम है वो कोडॉन्स को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और ये प्रोटीन बाहर निकल जाते हैं। अब इसी में पूरी की पूरी चार स्टेप में ये प्रोसेस होगा। पहले तो जब ये टीआरएनए एमआरएनए इनको एक्सेप्ट करके ले आएंगे तो वहां पे होता है इनिशिएशन प्रोसेस, फिर होता है इलांगेशन प्रोसेस जिस प्रोसेस के तहत इसके अंदर प्रोटीन बनता है, फिर होता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस जिसके तहत ये प्रोटीन बन के बाहर निकल जाता है, और फिर होता है टर्मिनेशन प्रोसेस जहां पे ये प्रोटीन बनने की प्रक्रिया खत्म कर दी जाती है। तो चारों प्रोसेस, इतने चीजें आपको समझनी है। अब ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बहुत बारीकी में डिटेल से आपको सारे स्टेप और प्रोसेस को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक को और चलते हैं अपने एप्लीकेशन में, ये नोट्स की तरफ। ठीक है, तो ये नोट्स जो है पहले इसको समझिए कि ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है। डीएनए का प्रोसेस होके आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और उसी तरह से आरएनए में प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, यानी कुल मिलाकर अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा जोड़ करके प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ही हम ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। द सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड टू प्रोटीन सिंथेसाइज डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियोटाइड बेस्ड सिक्वेंस ऑफ एमआरएनए। अब कौन सा प्रोटीन बनेगा? बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ रहा है, ए यू यू जू जू यू सी सी यू जी जी है ना, यू टी टी जो भी आ रहा है, वो कौन सा सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, वो डिसाइड करता है कि प्रोटीन कौन सा बनेगा। ये शुरुआत प्रोसेस कहां से होता है? शुरुआत होता है एमआरएनए से। सबसे पहले एमआरएनए जाता है साइटोप्लाज्म में, कोडॉन्स को ढूंढ के लाता है और ढूंढ के किसको देता है? टीआरएनए। मैंने कहा ना रिक्वायरमेंट में तीन चीजें थी, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। सबसे पहला काम एमआरएनए का, वो ढूंढ के लाएगा, वो किसको देगा? टीआरएनए को, और टीआरएनए उस कोडान को लेकर कहां ले जाएगा? राइबोसोम के अंदर। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, कहां पे कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, ये पार्ट हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहां पे आते हैं बेसिकली जेनेटिक कोड क्या होता है इसको समझ लीजिए। मैंने क्या बताया कि जब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आरएनए में चार न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरेसिल, ए जी टी यू, ये चार अमीनो एसिड्स जब तीन तीन के सेट में इकट्ठा होते हैं उन्हें ट्रिपलेट्स कहते हैं, ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन कहते हैं, और यही जेनेटिक कोड कहलाता है क्योंकि यही प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन ही हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरी करते हैं। ठीक है, तो जो तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है एमआरएनए पे उन्हीं को हम जेनेटिक कोड या कोडॉन्स कहते हैं। तो उसमें बेसिकली जो प्यूरीन बेस है एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडीन बेस है साइटोसिन यूरेसिल। ठीक है, यहां पे साइटोसिन यूरेसिल है, थायमिन नहीं होता है, सॉरी। ठीक है, तो ये चारों मिल करके 64 तरह के कोडॉन बनाते हैं। अब ये 64 की लिस्ट देख लीजिए, आप देखिए कैसे आपको बनाना है, यू सी ए जी यू सी ए जी, तो आप ऐसे कहिए यू 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 यू। ठीक है, ऐसे आप अपने को आपको बना सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है बनाने की, एग्जाम में कभी भी कोडान इतना डिटेल से नहीं पूछा गया है, लेकिन ये चार्ट आप अपने से बना भी सकते हैं। कैसे आप करना क्या है, इस तरह कॉलम बनाइए, यू सी ए जी इधर लिखिए, यू सी ए जी इधर लिखिए, और चार लिखिए यू सी ए जी यू सी ए जी। अब एक यू और एक यू 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 यू, अब यू यू यहां वाला सी, यू यू यहां वाला ए, मतलब ऐसे करके आप देखेंगे 64 तरह के कोडॉन्स बनते हैं। अब आप कहेंगे जब 64 तरह के कोडॉन बनते हैं तो 64 तरह के अमीनो एसिड भी बनने चाहिए, लेकिन अमीनो एसिड तो केवल 20 प्रकार के होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कोडॉन एक अमीनो एसिड बनाए, कभी कभी अलग अलग कोडॉन भी एक ही प्रकार का अमीनो एसिड बनाते हैं। जैसे यहां पर देखिए यू 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 और यू यू सी दोनों ही फिनाइल एनानीन बनाते हैं,
जैसे आप यहां देखिए CUU, CUC, CUA, CUG, चार प्रकार के कोडॉन्स जो है वो ल्यूसिन अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें तो जैसे अलग अलग है, जैसे कि UGG जो है ट्रिप्टोफान बना रहा है, UGU क्या बना रहा है, ये आपको याद नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए था। तो कौन, अब हम आगे बात करते हैं कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूं जो पॉइंट वाइज बातें हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जब भी आपसे क्वेश्चन डिटेल में पूछेगा तो जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे लिखिएगा, पहले कि डिफिनेशन क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे स्टार्ट होता है, शुरू होता है। फिर आता है अगली हेडिंग है रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जब भी हम डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनाए क्या क्या चाहिए। तो मैंने आपको शुरू में बताया क्या क्या चाहिए, आपको आरएनए चाहिए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, शुरुआत होती है टीआरएनए, एमआरएनए से, फिर टीआरएनए से, आपको राइबोसोम चाहिए, आपको कोडान चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपको एंजाइम्स चाहिए, ये सब चाहिए। तो नाम देखें तो पहला है आपको चाहिए अमीनो एसिड्स। आपको पता है कि अमीनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन बनता है, कई अमीनो एसिड जब आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ जाते हैं तो वो प्रोटीन बनता है। जैसे कई मोतियां हैं, अलग अलग मोतियां एक अमीनो एसिड है, और जो कई मोतियां मिलकर एक चेन में जुड़ती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में तो माला बनता है, जो माला है वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स और पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि कई सारे अमीनो एसिड्स मिलकर बना है इसलिए हम पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बोल सकते हैं। और 20 अमीनो एसिड फाउंड इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें से आपने पढ़ा होगा 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, 10-10, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, जिसे हमें खाने से, डाइट से लेना है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जो बॉडी में ऑलरेडी बनता है, हमें बाहर से जरूरत नहीं है उसको खाने की। तो ये बात हो गई, पहली चीज है कि हमें क्या चाहिए अमीनो एसिड। दूसरा रिक्वायरमेंट है राइबोसोम। आपको पता है कि राइबोसोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि राइबोसोम फैक्ट्री है या किचन है जिसके अंदर प्रोटीन बनेगा। तो राइबोसोम में क्या पॉइंट लिखना है कि जो राइबोसोम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दो प्रकार के होते हैं राइबोसोम, 70S, 80S। जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S। आगे क्या लिखेंगे, 80S राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, 40S यूनिट, 60S सब यूनिट, 40 होता है स्मॉलर सब यूनिट, 60S होता है लार्जर सब यूनिट, और उनमें पाए जाते हैं ए साइट और पी साइट, ठीक है, ए साइट और पी साइट, और लास्ट में एक होता है ई साइट, एलिमिनेशन साइट भी होता है। तो ये तीन चीज मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर से यहां पर देख लीजिए हमारे फिगर में, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम में 60S, 40S, ये ए साइड, ये पी साइड, और यहां पे पाया जाता है आपका ई साइड, जहां से ये क्या होता है प्रोटीन बनके बाहर निकलता है। तो किसी भी राइबोसोम में इस एमआरएनए स्ट्रैंड में तीन प्रकार के साइड्स पाए जाते हैं, ये आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नोट्स की तरफ आते हैं। तो अब राइबोसोम के बाद हमारी अगली रिक्वायरमेंट है एमआरएनए की। एमआरएनए से ही रिएक्शन शुरू होता है, क्योंकि एमआरएनए ही कौन सा अमीनो एसिड बनाना है उसे कोड करके उस प्रकार के जेनेटिक कोड को लेके आता है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है टीआरएनए की। एमआरएनए अमीनो कोड्स को ला करके कोडॉन्स को किसको हैंड ओवर कर देता है, टीआरएनए को, और टीआरएनए फिर जाके उसको राइबोसोम के अंदर ले जाके उसका प्रोसेसिंग करता है। फिर अगली रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, क्योंकि सारा जब काम हो रहा है तो उस काम में एनर्जी चाहिए, और आपको पता है एनर्जी कैसे बनता है, एटीपी के ब्रेकडाउन से। हमारे शरीर में जो एटीपी है वो ब्रेक डाउन होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, या फास्फोराइलेट एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और इस फास्फोराइलेशन के दौरान एनर्जी बनती है। और फिर आपको छठवीं चीज चाहिए ट्रांस प्रोटीन फैक्टर्स। जितने भी स्टेप्स होते हैं उसके लिए फैक्टर चाहिए, इसमें इनिशिएशन फैक्टर, इलांगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा ये रिएक्शन होता है। तो आपने अगली हेडिंग में क्या देखा कि रिक्वायरमेंट में छह चीजें चाहिए होती हैं। उस छह में हमारे पास पहला क्या था, हमारा पहला अमीनो एसिड है, दूसरा आप उसको कोडॉन्स भी बोल सकते हैं, दूसरा हमको चाहिए राइबोसोम, तीसरा एमआरएनए, तीसरा टी, फिर टीआरएनए, फिर एनर्जी, और उसके बाद प्रोटीन फैक्टर। अब आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ कि कितने फेजेस में ये काम होता है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है या प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है। आपको पता है वो चार चरणों में पूरा होता है, किसी किसी बुक में तीन चरण दिया गया है, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन, लेकिन हम चार बताएंगे आपको। इनिशिएशन मैंने बताया कैसे होता है सबसे पहले, फिर इलांगेशन,
चीजें बढ़ती हैं, ट्रांसलोकेशन बनने के बाद कहीं और शिफ्ट होती हैं, और टर्मिनेशन प्रोसेस में पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, वो खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अब शुरुआत करते हैं इनिशिएशन प्रोसेस से। अब हम यहां पे थोड़ा सा डीप में चलेंगे बच्चों, डीप में चलेंगे, समझाएंगे डीप में। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। द इनिशिएशन स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन ब्रिज टूगेदर mRNA tRNA बेयरिंग फर्स्ट अमीनो एसिड टू द पॉलीपेप्टाइड एंड टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम द कंपोनेंट इन्वॉल्व द लार्ज स्मॉलर डीएनए। अब देखिए, इसमें कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब इसको इस तरह से समझिएगा, ठीक है। अब हम इसको यहां समझ, फिर से इनिशिएशन स्टेप शुरू होती है यहां से। एक होता है राइबोसोम, जिसमें होते हैं 60S साइट, 40S साइट, जिसमें होता है एक आरएनए का स्ट्रैंड, जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए। ये जो स्ट्रैंड है, ये टीआरएनए का स्ट्रैंड है। सबसे पहले जो हमारा एमआरएनए है बेटा, सबसे पहले जो हमारा एमआरएनए है वो कोडांस को लेकर आता है, इन कोडांस के सेट को ट्रांसफर कर देता है किसको, टीआरएनए। इनिशिएशन स्टेप की शुरुआत यहीं से होती है, जो तीन प्रकार के कोडॉन का सेट एमआरएनए लाके टीआरएनए को देता है। और टीआरएनए में भी तीन फैक्टर होते हैं, IF1, IF2, IF3, ठीक है। ये इसको थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, और वो यहां पे राइबोसोम के ए साइट में पहुंचता है, ए साइट से पी साइट, पी साइट से ई साइट। इतना स्टेप समझिए कि इनिशिएशन में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है। वहां पे तीन फैक्टर है, IF1, IF2, IF3, ठीक है। तो पहले इनिशिएशन स्टेप में हो गया। अगले में जो टीआरएनए है, जो अमीनो एसिड को लाया है, वो ले जा एमआरएनए से जो उसने लिया है, वो सभी उनको चार्ज टीआरएनए कहते हैं। देखिए, जब टीआरएनए सिंगल अवस्था में है, लाइन प्लेन है, उसमें कोई कोडान नहीं लगा हुआ है, तो उसे हम सिंपल टीआरएनए कहते हैं। और जैसे ही मैसेंजर आरएनए ला करके उस कोडान को टीआरएनए को दे देता है, तो उसे कहते हैं चार्ज टीआरएनए। और जो आपके IF1 और IF2 है, ये जो फैक्टर्स हैं, वो राइबोसोम के 30S यूनिट से बाइंड करता है। यहां पे बात उसके लिए हो रही है। और बाइंड करने के बाद बेसिकली समझिए अब क्या होगा इस स्टेप में। जो कोडांस थे, यहां पे फिगर में देखिए बेटा, जो मैंने बताया था आपको, ये जो कोडांस थे, ये कोडांस ट्रांसफर होके ए साइट के पास जाएंगे। ए साइट जो कि राइबोसोम का 40S वाला यूनिट है, बात हो रही है प्रोकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स की। प्रो होता तो यहां पे 30S होता। ये राइबोसोम का एक्सेप्टर यूनिट इन तीनों कोडान को एक्सेप्ट करेगा और राइबोसोम के अंदर जाएगा। पहले इनिशिएशन स्टेप की बात हो रही है बेटा, जो मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल वहीं पर देखिए, ठीक है। ये न्यूक्लियस बाइंड करेगा और यहां पे अंदर एक धीरे धीरे पॉलीपेप्टाइड चेन का स्टार्ट होगा। एक चीज याद रखना है, हमेशा जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो जो पहला अमीनो एसिड होता है, वो जो कोडान होता है, वो होता है AUG, ठीक है। AUG याद रखिएगा, क्योंकि कभी सा भी जब भी अमीनो एसिड बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, सबसे पहला कोडान जो एमआरएनए लेकर आता है उसका नाम है AUG। इसीलिए AUG को इनिशिएशन कोडान कहते हैं। AUG के अलावा कभी कोई ऐसा नहीं है अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बनना शुरू हो जाए। तो AUG से शुरुआत होता है, बाकी सारी जो भी बनाई। और लास्ट वाला भी क्या है, उगा UAG, UAA, ठीक है, वो बताऊंगा बाद में। उसे टर्मिनेशन कोडान कहते हैं, जो जिससे प्रोटीन बनना बंद होता है, इससे प्रोटीन बनना शुरू होता है, ठीक है। तो ये एक पूरी की पूरी कहानी यहां पे हो गई। अब जो स्मॉल राइबोसोम यूनिट है, क्या करते हैं, उससे एमआरएनए बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का जो सिक्वेंस है उसको पहचानता है, और पहचानने के बाद वो अपना काम शुरू करता है। यहां पर देखिए, अब आते इलांगेशन प्रोसेस। अब क्या हुआ, इन दिस अमीनो एसिड फर्स्ट अमीनो एसिड कॉल्ड अमीनो एसिड डिलीवरी। अब एक कोडान अंदर गया, एक अमीनो एसिड बना, एक कोडान अंदर गया, दूसरा अमीनो एसिड बना, तीसरा कोडान अंदर गया, तीसरा अमीनो एसिड बना, एक के एक बाई एक करके अलग अलग कोडान आते रहते हैं। देखिए बेटा, इस स्ट्रक्चर में इनिशिएशन हो गया, अब इलांगेशन प्रोसेस में पहला घुस गया, जिसका पहले वाले का नाम क्या था, AUG। अब ये अंदर गया, अब दूसरा आएगा, अब इसी तरह तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, और अंदर यहां पे अमीनो एसिड का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो इलांगेशन प्रोसेस में जैसे जैसे ये ए साइट से कोडांस अंदर आते रहते हैं, इसके अंदर राइबोसोम के अंदर अमीनो एसिड्स लगातार बनते जाते हैं, और यही अमीनो एसिड जब आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ते जाते हैं, तो एक प्रोटीन की संरचना तैयार होती रहती है। ये इलांगेशन प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। इन कोडॉन रीजन
रिकॉग्निशन एमआरएनए कोडॉन टू ए साइट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द टीआरएनए एंटीकोडॉन। यानी होता क्या है कि जब कोडॉन्स आते हैं एमआरएनए के द्वारा, तो वो जो कोडॉन्स है वो जुड़ते कैसे हैं, वो जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। मैंने जो बताया आपको ना कि जो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जब आपका एमआरएनए ये कोडॉन लेकर आया तो ये इस पे चिपके कैसे हैं टीआरएनए पे, ये टीआरएनए पे जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, हर पॉइंट को समझते चलिए फिगर के जरिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे धीरे धीरे जुड़ते हैं और फिर अमीनो एसिड आपस में जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। अगला प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। मैंने कहा ना, अब अमीनो एसिड तो बन गया, प्रोटीन बन गया, अब उसको राइबोसोम से बाहर भी तो निकालना है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नाम क्या लगा, ट्रांसफर ऑफ लोकेशन, यानी लोकेशन को बदलने वाली बात हो रही है। तो जो टीआरएनए है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन है ए साइट पे, वो ट्रांसलोकेट होगा पी साइट पे। यानी जो ए साइट के अंदर बेटा, जो ए साइट के अंदर अमीनो एसिड बना था, अब ये ए साइट से पी साइट की तरफ ट्रांसफर होगा, इसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी तीसरे स्टेप में जो भी अमीनो एसिड आपके बन रहे हैं, जो भी प्रोटीन आपके बन रहे हैं, वो ट्रांसफर होते हैं पी साइट की तरफ, और पी साइट से फिर आगे ई साइट की तरफ, और ई साइट जब जाता है तो राइबोसोम छोड़ करके बाहर निकल जाता है, इसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये डायरेक्शन हमेशा 5 से 3 प्राइम की तरफ होता है। ठीक है, अब वहीं पे क्या हो रहा है, कोडॉन का रिकॉग्निशन हो रहा है। रिकॉग्निशन का मतलब है कि कौन सा कोडॉन किस प्रोटीन को कोड कर रहा है, वो हम पहचानते हैं। लास्ट स्टेप है ट्रांसलोकेशन के बाद आते हैं टर्मिनेशन में। तो जैसे इनिशिएट करने के लिए तीन प्रकार, एक एयूजी कोडॉन था, बेटा लाइट चली गई लेकिन मैं इस क्लासेस को पूरा कर रहा हूं, चैप्टर खत्म हो गया है, अब इसको मैं रोकूंगा नहीं। जैसे इनिशिएशन प्रोसेस के लिए तीन कोडॉन थे एयूजी, उसी तरह से टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए भी तीन कोडॉन होते हैं, उग यूएजी उवा उग उगा उवा यूएजी उग उगा यूजी ए और उवा यूएए, याद कर लो, उग उगा उवा यूएजी उग उगा यूजी ए और उवा यूएए। अगर इन तीन में से कोई भी एक कोडॉन एमआरएनए के द्वारा टीआरएनए तक पहुंचा दिया जाएगा तो समझ लीजिए कि वो आखिरी अमीनो एसिड है जो बनने जा रहा है, और वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। तो ये एक सिग्नल है कि शुरुआत जिससे होती है खत्म। तो ये तीनों कोडान जो है उग उगा उवा, इन्हें हम टर्मिनेशन कोडान कहते हैं, और जैसे ही ये राइबोसोम के अंदर जाएगा इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे खत्म हो जाएगी। इस पूरे लेक्चर में हमने आपको समझा दिया, तीन प्रोसेस होते हैं इनिशिएशन, चार प्रोसेस इनिशिएशन, उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इनिशिएशन प्रोसेस में राइबोसोम आ रहे हैं, इलांगेशन प्रोसेस में राइबोसोम से अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में राइबोसोम जो है वो अमीनो एसिड जो है वो बन करके वो बाहर निकल रहे हैं ए साइट से पी साइट, पी साइट से ई साइट, और टर्मिनेशन प्रोसेस में उग उगा हुआ तीनों में से कोई एक अमीनो एसिड बनेगा, कोडान आएगा और प्रोसेस को स्टॉप करेगा। बस लाइट ने साथ नहीं दिया, लेकिन लेक्चर खत्म हो गया है और यूनिट नंबर 2 भी खत्म हो गया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑलवेज।